हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज है 13 सितंबर 2024, एसएससी सीजन 2024 का शिफ्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और मेरा भी एग्जामिनेशन अभी कंप्लीट हुआ है, यानी कि एसएससी सीजन 2024 टीयर 1 13 सितंबर शिफ्ट 1 में मेरा एग्जामिनेशन था। तो अगर एक एनालिसिस मैं आप सबको बता दूँ कि पेपर कैसा रहा है और कहाँ कहाँ से था, क्वेश्चन देखिए मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ जैसा कि आप सबको पता है एसएससी की गाइडलाइन क्या है, बाकी एक लेवल में बता सकता हूँ कहाँ का क्या कैसा लेवल था। बात करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग जो है इजी टू मॉडरेट है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो फंसा देंगे। और एक चीज़ ये, कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं थे, क्लॉक के क्वेश्चन नहीं थे, जो कि मैं सब लोग शुरू से जान रहे हैं। और अगर बात करें एनालॉगी के क्वेश्चन थे, सिलॉग के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले मेरे शिफ्ट में, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं था सिलॉग का। उसके बाद अगर करें ब्रेकिंग सीरीज था, ठीक है, और एनालॉगी भी थी, ठीक है, फिगर काउंटिंग भी था, ठीक है, इस तरह चीज़ें थी। अगर बात करें मैथ के सेक्शन की, तो मैथ मॉडरेट आ रही है, आसान नहीं है, कैलकुलेटिव है और 5-6 क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो आपको फंसा देंगे, ठीक है। तो आप उसी तरह से अगर जिनका आ गया वो प्रैक्टिस करके जाएं। बाकी मेरे से पहले चोर पुलिस का क्वेश्चन नहीं था। और अगर बात करें DI भी, 2 DI तो 3 से 4 DI क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 तो एक अच्छे खासे मतलब कैलकुलेशन वाले थे और 2 इजी थे, हो जाते आसानी से। अगर बात करें डायमंड वर्क का क्वेश्चन था, ठीक है, और जो है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, एवरेज का क्वेश्चन था, एलिगेशन का क्वेश्चन भी था, ठीक है, और ज्योमेट्री था, मेंसुरेशन था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें GS के सेक्शन में, तो GS देखिए वैसी है जैसे एज इट इज आ रही है शुरू से ही, और मैं डिटेल एनालिसिस आपको अभी थोड़ी देर में दे दूंगा। मैं थोड़ा सा अभी एक रोड पे हूँ, ठीक है,